हेलो स्टूडेंट, लास्ट वी आर डन विद द डाइस ऑन विच वी हैव टेक टू वन टॉपिक ओनली. वन टॉपिक इज रिमेनिंग. वन टॉपिक दैट वी हैव ऑलरेडी डन ए विच इज रोटेशन ऑफ द डाइस, राइट. उसमें हमने डाइस को रोटेट किया था, राइट साइड, लेफ्ट साइड, 180 डिग्री अप, मीन्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, बोथ टाइप्स. डन. सम ऑफ द क्वेश्चन आई हैव डन, फ्यू ऑफ देम आई गिव इट टू यू इन द होमवर्क. Okay, now let's move to the next topic of the dice, which is making dice. Then it is on page number 56, chapter number 19, page number 56, making dice. Okay, so in this one we have to make the dice. It is as simple as that, because a few topics you have already discussed about that one. I guess you have done with the solid objects, then solid figures in the maths, then. So उसमें एक टॉपिक आता था नेट्स, नेट्स ऑफ द क्यूब, राइट. नेट ऑफ द क्यूब वो आता था, दैट उसमें क्या था कि क्यूब को आपको ओपन करना है, देन. सो इट इज सेम एज दैट वन, ओनली इसमें आपको डाइस जो है, इट इज द शेप ऑफ अगेन द क्यूब, डन. तो आपको डाइस वो ओपन करके दिया है, दैट मीन्स आपको वो उसका नेट दिया है डाइस का, दैट इज अगेन द नेट ऑफ द क्यूब ओनली. एंड यू हैव टू फोल्ड अप, उसको आपको फोल्ड करके देखना है कि इसमें से डाइस कौन सा वाला डाइस जो है वो बन सकता है, डन. ओके. Okay, so first page, question number one. Okay, so first of all, the information is given like that. In each of the following, the net of the dice, that means cube, is given. Imagine how the net will look like, and when it is folded, and choose from the option given. So right now we are not doing that. Then see, we will not fold it, but from the option we'll find the answer only. हमें क्या दिया है कि उसमें से कौन सा वाला folded अगर हम करेंगे तो कौन सा वाला मिल सकता है, right? So we will just see that. हम सिर्फ वही देखेंगे कि चार option दिए तो चार में से कौन सा वाला हो सकता है, then. So उसके लिए हम क्या करेंगे कि कौन सा वाला नहीं होगा, understood? कि कौन सा वाला नहीं होगा. ओके, सो ऑप्शन नंबर ए. सो ऑन दैट वन, उसमें तीन फेजेस आपको दिए गए. ऊपर मींस टॉप फेज इज गिवन एज अ ट्राइंगल, सेकंड फेज इज गिवन एज अ मींस जो फ्रंट वाला फेज है इज द स्क्वायर, एंड जो साइड व्यू वाला फेज है इज द मींस ब्लैंक. देन सो इफ यू सी दैट प्रॉपरली इन द डायग्राम, डन. देन फ्रॉम दैट वन ए विल बी ए, वी कैन मेक ए वन, डन. बिकॉज वो अपसाइड डाउन मीन्स साइड बाय साइड हमें वो फेस सारे मिल रहे हैं, राइट. कैन नाउ लेट सी अबाउट द बी वन, वी हैव टू चेक द बी वन ऑल्सो. ओके, सो इन द बी वन टॉप फेस इज गिवन एज अ पाई, फ्रंट इज गिवन एज अ ट्राइंगल, and side one is given as a sign of the cross. Then okay, now B1 we cannot make it any part time. Next let's see about the C1. So C1 भी हम नहीं बना सकते, क्यों? Because उसमें जो blank face है वो side by side दी है, that means एक दूसरे के बाजू बाजू में दी है. And as you can see in the first one, जो blank face है वो एक दूसरे के opposite ही आएंगे किसी भी तरह से अगर हम फोल्ड करें फिर भी. नाउ D1. ओके, नाउ आई गेस यू हैव अ क्वेश्चन दैट ई D1 में भी उसी तरह से दिया है जैसे A1 में दिया है, बट इफ यू सी द प्रॉपरली देन D1 में जो D1 में जो साइन दी है, टॉप फेज में दिया है स्क्वायर एंड साइड में दिया है पाई, तो दैट मीन्स कि पाई और स्क्वायर दोनों बाजू बाजू में है, राइट. बट इफ यू सी द नेट प्रॉपरली देन जो
स्क्वायर है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, स्क्वायर और एंड पाई, वो दोनों बाजू बाजू में नहीं है, then, वो मीन्स एक दूसरे के बाजू बाजू में नहीं है, सो दैट व्हाई बी कैन डी कैन नॉट बी द आंसर. सो द आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज ए. अंडरस्टूड? आंसर ऑफ द फर्स्ट वन इज ए. ओके, ए इज द आंसर. सेकेंड वन, ओके, सेकेंड वन इट इज गिवन लाइक दैट, ओनली सम डिफरेंस आर देयर. ओके, लेट्स सी द फॉर द ए वन, द टॉप इज एम्प्टी, फ्रंट फेस इज गिवन एज अ ग्रेटर देन साइन, सॉरी लेस देन साइन, एंड उसके साइड में आपको दिया है एरो. ओके, सो दैट कैन नॉट बी डन, दैट कैन नॉट बी आंसर, बिकॉज जो लेस देन साइन है और एरो है, वो दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में मिलेंगे अगर हम फोल्ड करेंगे तो, पर इसमें बाजू बाजू में दी है तो वो नहीं आ सकता है. बी वन, बी वन इज द सेम, उसमें भी सेम ही दिया है, जो सर्कल और डॉट दिया है और जो ओ दिया है वो एक दूसरे के बाजू बाजू में दिए, सो वो भी नहीं आ सकता है बिकॉज उसमें बाजू बाजू में नहीं है. सी वन इज ऑब्वियसली नॉट, बिकॉज एक साइड तो एम्प्टी रहेगी. ओके, सो दैट डी वन कैन बी द आंसर, बिकॉज इफ यू फोल्ड इट देन एरो और सर्कल और डॉट वाला जो है वो एक दूसरे के बाजू बाजू में आ जाएंगे, बिकॉज वो ऊपर है और एक नीचे है. Then, so D1 is the answer for the second. Okay, remaining two I will give it to you. बाकी के जो दो है वो मैं आपको दे रहा हूं, that means वो आपको करने हैं. Next, making dice, page number 57. Okay, so the question is like, in each of the following net of the dice is given, same as in the given in the previous page, you are required to imagine how the net will look like when it's folded. Then, so that means same, इसमें भी आपको वही करना है, आपको पहले fold, imagine करना है कि अगर मैं इसको fold करूंगा, तो कौन सा वाला बनेगा? And आपको tick कौन सा वाला करना है? Then tick the dice which cannot be made from the given net. आपको वो वाला टिक करना है जो इसमें से नहीं बनेगा, है? That means इसमें से वो वाला नहीं बन सकता, वही वाला आपको टिक करना है, राइट? ओके, फर्स्ट वन, द फर्स्ट वन इज गिवन द नेट लाइक एंड सेम बेस, जस्ट मीन्स उसका जो पहले पेज का जो फर्स्ट वन उसके जैसा ही दिया है, साइन की जगह पर यहाँ पे नंबर दिए 1, 2, 4, है? 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर दिए. ओके, सो इन ऑप्शन जो चार दिए उसमें से तीन ऑप्शन राइट है और एक ऑप्शन रॉन्ग है. दैट मीन्स एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें से हम डाइस नहीं मिल, राइट? सो वो वाला ऑप्शन हमें फाइंड करना है, राइट? ओके, सो इफ यू सी द फर्स्ट वन, दैट 1 और 4 बाजू बाजू में दिए, तो वो वाला ऑप्शन हमें मींस उसमें से डाइस बन सकता है, बिकॉज 1 ऊपर है और 4 नीचे, दैट मींस अगर वो दोनों जॉइन हो गए, राइट? ओके, इन द ऑप्शन नंबर बी 2 और 4 जो है वो बाजू बाजू में दिए, सो वो वाला नहीं बन सकता, बिकॉज 2 और 4 बाजू बाजू में नहीं आएंगे. इफ यू सी प्रॉपरली तो 2 और 4 के बीच में 3 है, तो वो कभी बाजू बाजू में हम फिल अप नहीं कर पाएंगे. सो फॉर दैट वन ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर. We are checking the C and D also. Option number B is the answer for the second one. Okay, next C. Okay, now if you see the C one option, then 3 and 4 are adjacent. So it is right only. So usme se ban sakta hai. And D one mein 2 and 1 are adjacent. So from that, so that is also the right one only. Then, so option B is only the
that kind of dice that from which ticket will be made from the given one. Okay, next, second question. Okay, option number A, triangle and cross, वो दोनों बाजू बाजू में दिए, right? So this is this could be right because figure में भी अगर आप देखो then net में, so उसमें भी बाजू बाजू में ये cross on figure, then after triangle and square, वो दोनों बाजू बाजू में दिए, okay? Then वो उसमें से भी वो भी राइट ही है बिकॉज ट्राइंगल एंड स्क्वायर बाजू बाजू में ही दिए नेट में. देन आफ्टर सी ऑप्शन, डॉट एंड क्रॉस जो दी है वो बाजू बाजू में, सो उसमें से भी बन सकता है, वो भी पॉसिबिलिटी है. जो डी ऑप्शन दिया है उसमें डॉट अकेला दिया है और एम्प्टी बॉक्स जो है वो बाजू बाजू में दिए है. So as you can see from the net कि empty box जो है वो कभी बाजू बाजू में आएंगे ही नहीं, then वो opposite ही आएंगे, so D cannot be made, so answer is D1. Then okay, next again I am giving you for the homework, then वो मैं homework में ही दे रहा हूँ. I am just giving you the answer for that one. कि अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप आंसर वेरीफाई कर सकते हो. सो फॉर द थर्ड वन ऑफ द पेज नंबर 56 द आंसर इज सी वन, एंड फोर्थ वन ऑफ द पेज नंबर 56 ओनली द आंसर इज बी वन. सेम वे ऑफ दिस वन थर्ड वन answer is C1, fourth one answer is A1, but you have to try this four question at your home, then so you'll get the proper answer from this one. Okay, so that's it for today. So today we are done with the chapter number 19 dice. Okay, let's see next week hum dusra chapter karenge. Okay, bye bye.